हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूँ रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करना ना भूलें। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? यही पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सो देखिए क्या कर रहा है। एक संख्या में 84 की वृद्धि कर, मान लीजिए कि संख्या जो है एक्स है, संख्या मान लीजिए एक्स है, तो एक्स में क्या हो रहा है 84 की वृद्धि की जा रही है, एक्स प्लस 84 की, तो वह स्वयं का 107% हो जाता, मतलब क्या एक्स गुने 107/100, यही ना हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स प्लस 84 बराबर 107 × 100, 107x/100। अब यदि एक्स इधर है प्लस में, इधर आ गया तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 84 बराबर 107x और −x/100, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक्स माइनस है तो यहाँ पर क्या x/1 क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे तो 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 107x और −100x, तो यहाँ से कितना बचेगा 7x, 7 से कितना मतलब कट जाएगा 12 मरतब है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स 12 × 100, तो x बराबर 1200, यहाँ से कितना आंसर आ गया 1200। तो डी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन इसका करने का ट्रिक एक और भी है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107%, तो आखिर कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो मान लीजिए 100% कोई संख्या है, एक संख्या अपने आप में क्या है 100% होगा, उसमें 84 की वृद्धि की जाती है, मतलब कि प्लस 84 की वृद्धि की जा रही है, तो क्या हो रहा है स्वयं का 107% हो जा रहा है, यही होने हो रहा है। अब इसको घटा लीजिए तो 84 बराबर क्या हो जाएगा 107 − 100, तो 7%। तो 7% जब 84 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 84/7, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 84/7 × 100, तो 7 से कितना मतलब 7 × 7 और फिर बच गया कितना 14, तो 7 × 14 12 × 100, तो 1200, तो संख्या कितना होगा 1200 हो गया। तो दोनों मेथड से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% है, मतलब कि मान लीजिए किसी संख्या का 32%, तो क्या करिए कि 32% लिख लीजिए, क्या है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के जो है 17% से 120 अधिक, मतलब कि 17% में 120 जोड़ दीजिए, या इसको 100 प्लस भी कर सकते थे या डायरेक्ट करिएगा तो भी आंसर सेम आएगा, तब क्योंकि घटाना ही है। जो किसी का संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो 32 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 15%, तो 15% जब 120 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा 120/15, तो 100% किसके बराबर होगा 120/15, तो 15 से कितना मतलब कटेगा 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, तो 8 × 100 मतलब कि 800 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। या इसको हम लोग एक्स मान के भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे उसको देखिए। क्या करें, किसी संख्या का 32% मान लीजिए संख्या जो है मान लीजिए कि एक्स है, तो एक्स का 32% मतलब क्या है x × 32% बराबर है किसके, उसी संख्या के 17%, मतलब कि x × 17 आ परसेंट को भी इनमें बदलने के लिए क्या करेगा 17/100 आ प्लस 120 अधिक, यही ना। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इधर से इधर लेके चलेंगे 17 को, तो 32x आ −17x आ 100 बटा में नीचे है दोनों का, अब बराबर कितना हो गया 120, 32 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 15x/100 बराबर 120, 15 से कितना मतलब कटेगा 15 × 8 = 120, तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से 800। तो दोनों जगह से हम लोग को वही ना गया कि संख्या जो है वो 800 है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो संख्या का 72% क्या क्या होगा, तो इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं। तो क्या करें, 23% जो है किसी संख्या का वो क्या है 23% जो है किसके बराबर है 690 के, तो 1% किसके बराबर होगा 690/23,
यही ना, तो 23 से कितना मतलब कर जाए, 23 69 और फिर 0 की 0 बैठा देंगे, लेकिन हमसे क्या करेंगे उसी संख्या का 72%, तो 72% के लिए क्या करेंगे, 72 से गुना कर देंगे, तो 30 × 72 तो 72 2 6 7 21 2160। कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या यदि किसी संख्या का 23% 690 है, तो मान लिया कि संख्या जो है एक्स है, संख्या कितना है एक्स, तो एक्स का 23%, तो 23% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करें, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, बराबर कितना है 690 का, 23 का मान निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर 23 3 69 और 0 की 0 बैठा दीजिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया 3000। अब उसी संख्या का क्या करें, 72%, तो 3000 का 72% निकाल लीजिए, 3000 × 72 और भागा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 72 × 30 कितना आया 2160। तो यहाँ से सी ऑप्शन ही भी सही हो गया, तो दोनों जगह से एक्स मान के करिए या डायरेक्ट ट्रिक से बनाइए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने, हमसे पूछ रहा है कि पुरुष की संख्या कितनी है, तो कैसे बनाएंगे, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं मतलब कि फीमेल 32% है, महिला 54% पुरुष है मतलब कि मेल जो है 54% है, और 196 बच्चे, बच्चे के क्या दिया संख्या है 196, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। एक बात बताइए, कोई भी समारोह होगा उसमें तो 100% ही लोग होंगे, 10 ही लोग आए, तो 10 लोग क्या है अपने आप में 100% है, तो बच्चे के निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम लोग को फीमेल महिला और पुरुष के दे दिया है, तो हम बच्चे की परसेंट निकाल सकते हैं कैसे, तो बच्चे का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कि 100 माइनस, आखिर कोई भी है तो 100% होता है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 32% आ प्लस 54%, कोई भी अपने आप में तो 100% ही होता है, तो 100 आ माइनस 32 + 54 कितना होगा 4 2 6 आ 5 3 8 86, तो 100 - 86% मतलब कितना 14%, तो 14% कितना के बराबर है 196 के बराबर, यही ना करें कि और 196 बच्चे हैं, तो मतलब बच्चे का प्रतिशत कितना है 14%, तो 14% जो है 196 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा 196 / 14, हमसे क्या करेंगे पुरुषों की कितने हैं, तो पुरुष निकालने के लिए क्या करें, पुरुष कितना है 54% है, तो 54% बराबर कितना हो जाएगा 196 / 14 अगुने 54, तो 14 से कट जाएगा, 14 × 14 बच गया 56, तो 14 × 56 14 × 54 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए 14 × 54, 4 चक इसको आगे इसको गुना कर लीजिए, 4 चक 16, हाथ में कैरी 1 1 4 4 और 5 चक 20, तो 4 और 20 कितना हो जाएगा 24, 1 25 × 5 हाथ में कैरी 2 और फिर इसको गुना कर लीजिए 5 × 5 2 7, तो 756, तो जो पुरुषों की संख्या कितना है 756 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। यदि हमसे महिला के पूछता कि महिला की संख्या कितना है, तो क्या करते हैं 196 / 14 अगुने 32 कर देते हैं, तो 14 से 14 मतलब कट जाएगा, 14 से 32 में गुना कर देते हैं, तो 14 से 32 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 8 1 × 2 2 × 12, तो 12 × 2 14 × 4 हाथ में करिए 3 × 3 1 4, तो 448, तो पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या बराबर 756 और महिला की संख्या बराबर, महिला की संख्या बराबर कितना हो गया 448। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 360 का 30% प्लस 200 का 11% बटा 400 का 2% का मान क्या है, मतलब इसका मान हमसे पूछा है, तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए, 360 का 30% मतलब क्या 360 × 30, अब परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा दे देते हैं, प्लस 200 का 11% मतलब क्या 200 × 11 अब भागा 100 बटा 400 का 2% मतलब क्या 400 × 2 / 100, अब कैलकुलेशन कर लीजिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 खत्म, अब यहाँ से क्या है 2 0 है, तो 2 0 से 2 0 साफ, फिर यहाँ पर 2 0 से 2 0 साफ, 36 कितना होता है
छत्तीस छत्तीस 18 आ तीन तीय 9 10 108 प्लस 11 दूनी के 22 आ प्लस बटा 4 दूनी के 8 तो 108 है 22 कितना हो जाता है 130 अब भागा 8। लेकिन 130 भाग 8 तो कोई आंसर में दिया नहीं है तो क्या करिए 8 से 130 का भाग दीजिए 13 है तो 8 दूनी के 16 हो जाते तो उससे कम तो 8 है कम 8 कितना बच गया 13 में से 8 जाएगा तो 5 जीरो के जीरो लिख देंगे 8 छः 48 8 से 56 तो 56 तो लेंगे नहीं तो 6 8 छक 48 50 में से 0 में से 8 जाएगा तो नहीं जाता है एक कैरी लेगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 4 में से 4 गया तो खत्म। अब 2 है तो 2 से तो 8 से भागा नहीं लगता 8 से 2 तो भाग लगता नहीं है तो क्या करेंगे 0 बैठाएंगे तो 0 यहाँ पर बैठाएंगे तो भागफल में पॉइंट दे देंगे तो 8 दूनी के कितना होता है 16 तो 16 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4 अब 4 बचा तो फिर क्या करेंगे एक बाव 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर एक बाव 0 बैठा तो यहाँ नहीं 0 बैठाएंगे तो 8 बचे कितना होता है 40 यहाँ पर 8 पचे 40 जो है कट जाएगा पूरा पूरा तो यहाँ से कितना माना गया 16.25 तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी ऑप्शन सही है। तो कभी भी इस तरह से पॉइंट में निकालना हो तो इसी तरह से करिए यदि 2 आ गया उसके बाद ये 2 तो कटेगा नहीं 8 से तो एक 0 बैठा दीजिए उसके बाद पॉइंट और उसके बाद यदि आप लोग 0 एक को बैठा रहे हैं तो पॉइंट नहीं दीजिए यदि 2 0 बैठेगा तब एक और 0 यहाँ पर बैठाना पड़ेगा ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 240 का 25% प्लस 1200 का 6% बटा 400 का 4% का मान क्या है हमसे पूछा कि इसका मान क्या है तो देखिए कैसे बनाएंगे 240 का 25% तो 240 गुने 25 बटा 100 यही ना करेंगे प्लस 1200 का 6% तो 1200 गुने 6 अभागा 100 बटा 400 का 4% मतलब कि 400 गुने 4 बटा 100 25 चक 100 कट जाएगा ना आ 4 से 4 छक 24 है 0 के 0 बैठा देंगे 2 0 से 2 0 साफ यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 साफ बच गया कितना यहाँ पे 60 प्लस 12 छक 72 बटा 4 छक 16 60 और 72 कितना होता है 70 और 50 7 6 13 132 भागा 16 यही ना तो 132 भागा 16 कितना होता है तो 16 से 132 को भागा दे देंगे तो 16 एक हम 16 कटा नहीं है 16 पचे 80 कितना मतलब 16 से कटेगा 132 132 कटा है 16 से नहीं कटता है लेकिन 16 8 कितना होता है 16 गुने 8 8 छः कटता है इसके 8 4 कैरी 1 8 8 4 12 तो 16 8 128 बच गया कितना 4 132 में से 28 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा 128 जाएगा तो 4 अब 4 16 से 4 जाता है नहीं देखो 0 बैठा देंगे यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे 16 दूनी के 32 बचेगा कितना 8 40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा फिर एक बार 0 बैठाएंगे तो 16 पचे 80 80 का 80 क्या हुआ कट जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना आ गया 8.25 8.25 25 नहीं ठीक है ना 8.25 तो कौन सा आंसर सही है तो सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए थैंक यू।